Sabhapati Mohoday. Knowledge has been the other skill by the Gorakshak Samiti. Nothing is going on record. Tariq ji. Thank you. Sabhapati Mohoday. मैं वरिष्ठ मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी द्वारा जो प्रस्ताव उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 का संशोधन लेकर जो आए हैं उसके पक्ष में उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, ये जो सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है, ये संशोधन मजबूरी का है, दबाव का है और भारी मन से लाया हुआ ये विधेयक है। इसका कारण ये है कि अगर इस सरकार की नीयत सही होती तो उसको अध्यादेश के रूप में लाया जा सकता था, जिसका जिक्र कई वक्ताओं ने किया, सांसद महोदय ने किया कि दूसरे कई ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं थे, छः छः अध्यादेश इस बीच में लाए गए, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत जो अध्यादेश लाना चाहिए था उसको लाने में जानबूझकर विलंब किया गया। इसका कारण था सभापति महोदय, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में क्या प्रतिक्रिया होती है उसको देखना चाहती थी, और इसीलिए जब 2 अप्रैल को तमाम दलित संगठनों ने यह फैसला किया भारत बंद का, और देश के अंदर तमाम जिस तरह का विद्रोह हुआ, जिस तरह का असंतोष पैदा हुआ, जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ, उससे सरकार को लगा कि ये मामला दबाने वाला नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है सभापति महोदय कि जिस न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला दिया उनको रातों रात एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको इनाम दिया गया। अगर ये फैसला सही नहीं था सरकार की नज़र में तो मैं समझता हूं कि उनको ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। सभापति महोदय, जब लोग सड़क पर उतर आए और सरकार को ये महसूस हुआ कि अब चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, और स्वयं जो एनडीए के सांसद हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो भाजपा के सांसद हैं, उनके अंदर भी गुस्सा हुआ और उन्होंने भी जब सरकार के ऊपर दबाव बनाया, जो हम लोगों ने अखबारों में मीडिया में सब जगह पढ़ा, तो उससे ये संकेत मिला कि सरकार को लगा कि अब ये चीज़ें जिसको वो दबाना चाहती थी वो नहीं कर पा रहे, और इस चीज़ से बचने के लिए फिर आज वो ये अध्यादेश लेकर आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 2 अप्रैल के को जो बंद का कॉल दिया गया और उसके बाद जो देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें 12 लोगों की जाने गई, अगर ये सरकार अध्यादेश लेकर उससे पूर्व आती तो शायद वो 12 लोगों की जानें बच सकती थी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उससे देश को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार उस समय खामोश तमाशाई बनी रही और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर दलित संगठनों ने यह फैसला लिया कि अगर इस संशोधन को नहीं लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला जाएगा तो हम लोग 9 अगस्त को फिर भारत बंद करेंगे, और शायद यही कारण था कि सरकार को की नींद टूटी और उनको लगा कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है,
और इसीलिए उन्होंने ये संशोधन लाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में ये लाया गया था और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो देश के अंदर जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग थे, दलित थे, आदिवासी भाई थे और उनके ऊपर जो लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, उन पर जुल्म हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, उनकी जायदाद उनकी प्रॉपर्टी पर लोग नाजायज कब्जा कर रहे थे, तो ऐसी हालत में उस समय तत्काल जो सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उस समय उन्होंने एक बिल लाने का काम किया और जो उत्पीड़न था उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया। सभापति महोदय, हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत तभी बनेगा जब हम लोगों का जो समाज का जो माइंडसेट है जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक आधुनिक भारत नहीं बन सकता है। और आप सभी देख जानते हैं, हम लोग सब इस बात को महसूस करते हैं कि आज भी समाज के उस वर्ग के साथ जो उसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसीलिए जो आरक्षण का प्रावधान रखा उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, जो समाज में सबसे पिछड़े वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और उसका एक रास्ता हमारे पूर्वजों ने निकाला और चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों या उस समय जो भारत के निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके आरक्षण का प्रावधान किया और उस रास्ते पर हम लोग चले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के कुछ लोग हैं जिनको अभी आरक्षण स्वीकार नहीं है और समय समय पर वो ये प्रश्न उठा देते हैं ये सवाल उठा देते हैं कि आरक्षण की अब कोई आवश्यकता देश में नहीं है। लेकिन ऐसी ये हकीकत नहीं है। सभापति महोदय, आज भी हमने आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि समाज के उस वर्ग को अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसलिए हम सरकार के द्वारा विलम्ब से जो संशोधन लाया गया है हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके ऊपर किसी तरह का अन्याय ना हो, किसी तरह से उनका उत्पीड़न ना हो, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर एक सब समाज हम बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।